देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूं। सरकारी संपत्तियों पर दावा, फंड का बेजा इस्तेमाल, ये वो बड़े गंभीर आरोप हैं जिन्हें लेकर वक्फ बोर्ड पहले भी सवालों के घेरे में था और आज भी है, और इसीलिए वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को पूरी तरह से खत्म करने की मांग हो रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने बकायदा शिकायतों, सबूतों और आरोपों के साथ सदन में अपनी बातें रखी और इस एक्ट को निरस्त करने की डिमांड की। महोदय, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज की एकता सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। यह विधेयक असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अदालत जाने से रोकता है, न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता को खंडित करता है। अतः मैं आपकी अनुमति से देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूं। वक्फ बोर्ड, जैसा कि नाम से ही साफ होता है कि ये बोर्ड मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है। दरअसल ये बोर्ड मुस्लिम समुदाय के उत्थान और विकास के लिए काम करता है, लेकिन वक्फ जो काम करता है उसकी हकीकत कुछ और ही है। रेलवे और रक्षा के बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन का तीसरा बड़ा स्वामित्व है, यानी सरकार के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड है। आंकड़ों में संपत्ति जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006 में बोर्ड के पास 4.9 लाख पंजीकृत और 6 लाख एकड़ भूमि पर मालिकाना हक था। साल 2020 में यह आंकड़ा 6,16,732 पंजीकृत संपत्ति के पार हो गया, जिसकी कीमत करीब 1,20,000 करोड़ है। अब ये संपत्ति कहां से आई, उसकी इनसाइड स्टोरी समझने के लिए पहले आपको वक्फ का मतलब समझना होगा। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर धार्मिक कामों के लिए दान की गई संपत्ति, जो पैसे या फिर संपत्ति भी हो सकती है। और इस्लाम धर्म में किसी इंसान का धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्फ कहलाता है। इसके अलावा अगर किसी संपत्ति को लंबे वक्त तक धर्म के काम में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। साथ ही संपत्ति वक्फ को देने के बाद वापस नहीं ली जा सकती। वक्फ बोर्ड पर इसी बात का बेजा फायदा उठाने के आरोप लगते हैं। ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, वक्फ बोर्ड को सरकार से जो अनुदान मिलता है वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल वक्फ काउंसिल को साल 2016-2017 में 280 लाख, 2017-2018 में 1,218 लाख, 2018-2019 में 1,495 लाख, 2019-2020 में 1,491 लाख रुपए का अनुदान मिला, वहीं 2020-2021 में 300 लाख अनुदान के रूप में मिले। वक्फ बोर्ड को जिस तरीके के असीमित अधिकार मिले हुए हैं, उसके कारण वक्फ बोर्ड में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, इस एक्ट के कारण वक्फ बोर्ड की जमीनों में जिस तरीके का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, उसमें मुझे लगता है कि इसको निरस्त करना बहुत आवश्यक है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी एक संप्रदाय के लिए एक तरफा ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिसमें उसको असीमित अधिकार मिले हो, जिसमें दूसरे समुदाय, दूसरे संप्रदाय के पास समूचे अधिकार जो है वो सीमित हो जाते हो, नियंत्रित हो जाते हो या समाप्त हो जाते हो। मुझे लगता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय संसद को वास्तव में इस पर गहरी चर्चा करके और इसके तहत जो भ्रष्टाचार अब तक हुआ है उस भ्रष्टाचार को सामने ला करके, भारत की जनता के समक्ष सामने ला करके इसको निरस्त करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि वक्फ बोर्ड कब और कैसे बना,
तो उसकी भी कहानी जान लीजिए। दुनिया में 57 से ज्यादा मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है। लेकिन भारत जो एक धर्म निरपेक्ष देश है, जो इस्लामी नहीं है, उस भारत में वक्फ जैसी बोर्ड है। आजादी मिलने के बाद भारत के बंटवारे से पाकिस्तान नया देश बना। उस वक्त जो मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। साल 1950 में हुए नेहरू लियाकत समझौते में तय हुआ कि विस्थापित होने वाले लोगों का भारत और पाकिस्तान में अपनी संपत्ति पर हक बना रहेगा। वो अपनी संपत्ति बेच सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की छोड़ी जमीन, घर और अन्य प्रॉपर्टी पर वहां की गवर्नमेंट और स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहां से पाकिस्तान गए मुस्लिमों की संपत्ति पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। कुछ जमीन को शत्रु यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी बताकर उस पर सरकार ने अधिकार कर लिया था। इसके बाद वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए सन 1955 में एक एक्ट बनाया गया, जिसके तहत सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल का गठन किया गया, जो सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड की निगरानी करता है। 1995 में इसमें बदलाव हुआ था, फिर 2013 में भी इस एक्ट में कुछ और संशोधन किए गए। जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति या पैसा दान करता है, तो उसका रखरखाव कौन करेगा? तो उसकी देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास ही होता है। वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बनाए गए हैं। देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड में एक वकील, एक विधायक, एक सांसद, एक टाउन प्लानर, एक आईएएस ऑफिसर, एक स्कॉलर और एक प्रबंधक होते हैं। वक्फ एक्ट के मुताबिक ये सभी के सभी मुस्लिम होंगे। हर स्टेट में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। ये उन प्रॉपर्टीज का रखरखाव करते हैं और उनसे होने वाली इनकम का इस्तेमाल करते हैं। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का ही हिस्सा होते हैं। इनका रखरखाव और आय पर नियंत्रण वक्फ बोर्ड का ही होता है। सारे वक्फ बोर्ड के नियम कानून हो गए, लेकिन मजहब के नाम पर जमीन कब्जाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाता है। सबसे पहले लोकेशन की तलाश की जाती है, उसके बाद प्रॉपर्टी की रैकी की जाती है और फिर शुरू हो जाता है प्रॉपर्टी कब्जाने का काम। हर जगह तरीका एक है। जब भी कोई सवाल उठाए तो मजहब को आगे रख दो, कोई सवाल उठाए तो माइनॉरिटी को दबाने की आवाज बुलंद कर दो। आपको एक एक केस स्टडी करनी होगी। सोचिए, अगर आप अपनी ही कोई जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाएं और वहां जाकर पता चले कि आपकी प्रॉपर्टी किसी और के पास है, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वक्फ एक्ट के जरिए कई बार किसी भी प्रॉपर्टी को हथिया लिया जाता है और इसे वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया जाता है। तमिलनाडु के त्रिची जिले के एक हिंदू बहुल गांव तिरुचेंथुरई को वक्फ बोर्ड ने अपनी मिल्कियत घोषित कर दिया। बोर्ड ने कहा कि इस गांव की पूरी जमीन वक्फ की है, जबकि उस गांव में सिर्फ 22 मुस्लिम परिवार हैं, जबकि हिंदू आबादी 95% है। हैरानी की बात तो यह है कि वहां के मंदिर को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। ग्रामीण बताते हैं कि ये मंदिर 1500 साल पुराना है, यानी दुनिया में इस्लाम के आने से पहले ये मंदिर है। साल 2021 में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि ऐसे 6 धार्मिक स्थल हैं जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आने वाले एरिया के अंदर या उसके आसपास आते हैं। वक्फ बोर्ड ने कहा कि इन 6 संपत्तियों में से 5 तो मस्जिद हैं, जो 100 साल पुरानी है। इनमें मस्जिद जाप्तागंज, जामा मस्जिद नई दिल्ली, मस्जिद सुनहरी बाग, मजार सुनहरी बाग, मस्जिद कृषि भवन, मस्जिद वाइस प्रेसिडेंट हाउस है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यह मांग रखी कि इन संपत्तियों को बचाना जरूरी है। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि यह संभव नहीं है कि सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट पर रोक का आदेश पारित किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर रोक लगाने के आदेश से इनकार कर दिया था। कोर्ट में केंद्र की तरफ से यह भी कहा गया कि सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट से दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली के महरौली इलाके के लड्डा सराय में पहाड़ी पर 5 से 7 कब्र के साथ कुछ साल पहले एक मस्जिद बना दी गई थी। यहां वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगा रखा है कि यह जमीन उसकी है। इसी के साथ ही वक्फ बोर्ड का दावा है कि 7 बीघा जमीन भी उसी की है। लेकिन इसी जगह के पास से दिल्ली विकास प्राधिकरण के बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें इस जगह पर कब्जा ना करने की चेतावनी दी गई है।
आसपास के लोग भी दावा करते हैं कि सारी जमीन डीडीए की है, लेकिन 5 साल पहले यहां मस्जिद बना दी गई। वक्फ एक्ट 1995 से जो ताकतें वक्फ बोर्ड को मिली उसने बोर्ड को बहुत ताकतवर बना दिया। ऐसे कई मामले सामने आए जहां वक्फ बोर्ड के संचालन में गड़बड़ियां पाई गईं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी गड़बड़ियों के आरोप हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में 32 कर्मचारियों को नियुक्त किया था। इस नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुए और नियमों का उल्लंघन किया गया। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ की संपत्ति को किराए पर देने में वित्तीय गड़बड़ी का भी आरोप है। वक्फ बोर्ड के अकाउंट में गड़बड़ी के आरोप भी उन पर लग रहे हैं। इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। देखिए, जो वक्फ बोर्ड पर इल्जाम लगने की बात है तो इल्जाम तो किसी पर भी लगता है। आप देखिए कि तकरीबन 500 से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट है जिन पर बड़े गहरे इल्जाम लगे हुए हैं, तो क्या उन मेंबराने पार्लियामेंट को संसद से निकाला जा रहा है? क्या इस बुनियाद पर संसद को बंद कर दिया जाएगा? क्या इस बुनियाद पर चुनाव नहीं कराए जाएंगे या और बहुत सारे घपले घोटाले हो रहे हैं? तो उसके लिए जांच होती है, उसके लिए आप जांच कराइए, देखिए कहां क्या है, हुकूमत किस लिए होती है। वक्फ बोर्ड पर आरोप लगते हैं कि बोर्ड किसी भी जमीन पर नोटिस जारी कर सकता है, जहां उसकी मर्जी उस जमीन पर वक्फ अपना दावा ठोक सकता है। वक्फ बोर्ड पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि वो अपनी पावर के दुरुपयोग से गरीबों का धर्मांतरण करवा रहा है। जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि वक्फ एक्ट 1995 को पूर्णतः रद्द करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। वक्फ एक्ट 1995 में ऐसी धाराएं जो बहुत ही ड्रैकोनियन हैं, जैसे सेक्शन 4, 5 और 6 जो वक्फ बोर्ड को सर्वे करने का अधिकार देता है। उस सर्वे में किसी भी अन्य धर्म के लोगों की संपत्ति भी सर्वे में इंक्लूड की जा सकती है। सेक्शन 8 में सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करती है, जो आर्टिकल 27 का वायलेशन है। सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड को पावर है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। तो मुझे लगता है वक्फ एक्ट 1995 आर्टिकल 301 का उल्लंघन है और इस पूरे एक्ट को निरस्त करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। वक्फ बोर्ड मुस्लिमों से जुड़ा है, इसीलिए एंटी मोदी गैंग एक्टिव है, क्योंकि मोदी विरोधियों की सियासी दुकान बस मुसलमान मुसलमान के नाम से ही चलती है। विरोधियों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर रहती है, इसीलिए विरोधी इसे मोदी के खिलाफ एक नया पॉलिटिकल टूल बना रहे हैं। सदन में इस विधेयक को पेश करने के लिए वोटिंग की गई, जिसमें विधेयक पेश करने के पक्ष में 53 तो विरोध में 32 वोट पड़े। वोटों के व्यापारी हैं और वोट प्राप्त करने के लिए ये कितना ही नीचे गिर सकते हैं, देश का विभाजन कर सकते हैं, हिंदू मुसलमानों में कत्लेआम करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस का चरित्र जो है हमेशा हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का रहा है, नफरत पैदा करने का रहा है, और उसमें संपूर्ण विपक्ष जो है शामिल है। उसी कड़ी में कल मैंने जो प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया वक्फ बोर्ड 1995, उसी कड़ी में उनका ये विरोध था, केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गुमराह करके उनके वोट प्राप्त करने का। अब इस एक्ट को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा। देखना है कि 1995 में बना एक्ट खत्म होता है या फिर मजहब के नाम पर कब्जे वाला खेल बदस्तूर जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।